सो चैप्टर वन, रेन इन समर. ओके, द पोएम इज रिटन बाई एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो. इनका पूरा नाम था हेनरी वॉर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो. वेन ही इज ओवरजॉयड बाई द शार ऑन ए हॉट डे. जब वे खुश हुए देख के बारिश होते हुए, शार मतलब बारिश फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत गर्म दिन में. ठीक है, ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ रेन एंड टेल्स पीपल वाई रेन शुड बी वेलकम. उन्होंने इस पोएम में दर्शाया, उन्होंने बताया खूबसूरती बारिश की और लोगों को कहा कि हमें रेन का वेलकम क्यों करना चाहिए. ओके, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. रेन कितनी खूबसूरत है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट. धूल और गर्मी के बाद, मतलब जब बारिश धूल और गर्मी के बाद पड़ी, इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, मतलब चौड़ी और फेयरी मतलब वेरी हॉट एंड ड्राई, बहुत ही गर्म, मतलब गर्मी के जब आप देखते होंगे बहुत धूप हुई दोपहर में और फिर शाम में बारिश पड़ गई, तो वो वाला सीन. इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. नैरो लेन कितनी खूबसूरत है रेन. हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ. क्लैटर मतलब साउंड नहीं आती बारिश की, टप 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 ऐसी, तो अलॉन्ग द रूफ, छत पे जब बारिश पड़ती है तो आवाज़ आती है, तो क्लैटर मतलब रैटलिंग साउंड. हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. तो यहाँ पे सिमिली है, एक कंपेयर करा गया है. ट्रैम्प ऑफ हूफ्स मतलब साउंड ऑफ फुटस्टेप ऑफ हॉर्सेस. जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है उनके पैरों की, उससे कंपेयर करा गया है बारिश की आवाज़ जब छत पे पड़ती है बारिश रूफ पे. हाउ इट गशिस एंड स्ट्रगल्स आउट, मतलब एकदम फ्लो आउट करती है, एकदम पानी जब निकलता है एक जगह से, फ्रॉम द ट्रॉथ ऑफ द ओवर फ्लोइंग स्पाउट, पाइप से एकदम निकलता है बहुत तेजी से, गशिस आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवर फ्लोइंग स्पाउट फ्रॉम अ पाइप. ओके, इसका वर्ड मीनिंग में दे रखा है आपको मीनिंग पूरा. अक्रॉस द विंडो पेन, अब विंडो पेन के अक्रॉस, इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद ए मडी टाइड लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोड्स द रेन द वेलकम रेन. अब विंडो पेन के अक्रॉस इट पोर्स एंड पोर्स, बारिश पड़ रही है, एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद ए मडी टाइड. मडी टाइड कैसे हो जाता है ना, मिट्टी का पानी जब बारिश पड़ती है तो ब्राउन सा हो जाता है, तो मडी टाइड ऐसे बोला उन्होंने. लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोड, जैसे कोई नदी चल रही हो. द रेन द वेलकम रेन. फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज, पास में एक स्कूल था वहाँ से लड़के आ गए. विद मोर देन देयर वॉन्टेड नॉइस, वॉन्टेड मतलब यूजुअल, मतलब ऐसी शोर करते हुए जो बच्चे आते हैं, तो नेबरिंग स्कूल से बच्चे आ गए, ये रहे इसमें दिखा भी रखे हैं. ओके, देन एंड कोमोशन मतलब हल्ला गुल्ला मचाने लगे हुए, शोर करने लगे. एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स, अब स्ट्रीट क्या हो गई, वेट, बारिश के पानी की वजह से वेट हो गई, गीली. सेल देयर मिमिक फ्लिट्स, मिमिक फ्लिट्स का बोला इधर पेपर बोट्स, जो पानी की कश्तियाँ बनाते हैं, बोट्स बनाते हैं बच्चे, उन्होंने वे बनाई और पानी में रखी. टिल द ट्रिकेरियस पूल इंगल्स देम इन इट्स बिल्डिंग एंड ट्रिबुलेंट ओशन. टिल द ट्रिकेरियस पूल, ट्रिकेरियस मतलब धोखेबाज. ओके, पूल, यहाँ पे ट्रिकेरियस पूल कहा गया है, ए पूल विच डज नॉट लेट द बोट सेल, मतलब उस वो पूरा पूल तो बनी गया था जब पानी भर गया था, तो उसमें उनकी जो बोट थी वो डूब गई, सेल नहीं कर पाई, वो सिंक हो गई, वो डूब गई. ओके, इंगल्फ दैम इन इट्स बिल्डिंग, उसने इंगल्फ कर दिया मतलब पुल, जैसे आप देखते नहीं कि बारिश का जब कोई नाली होती है तो उसके ऊपर एकदम से गोल 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 करके पानी उसमें जाता है अंदर, तो ऐसी वो बोट उसके मूवमेंट में आ गई, राउंड 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 घूमने लगी बहुत तेज तेज, इन इट्स बिल्डिंग रैपिड मूवमेंट्स राउंड एंड राउंड एंड टर्बुलेंट ओशन. टर्बुलेंट ओशन मतलब स्ट्रॉन्ग करंट्स हो गया, वो एक करंट सेटअप हो गया पानी के अंदर, बहुत तेज तेज राउंड राउंड मूव करने लगी और वो उनकी बोट्स डूब गई. फिर आते हैं एक्सरसाइज पर. द रेन क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ अ ड्राई स्ट्रीट. द रेन क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स. द रेन फ्लड्स द विंडो एंड फिल्ड द गटर्स. फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल केम द बेज एंड यूजल नॉइस, नेबरिंग स्कूल से. हीट स्ट्रीट लेन रेन रूफ्स हूप्स, कंपेयर कर रखा था ना कि जो बारिश पड़ रही है रूफ्स पे वो कैसे कंपेयर है, कंपेयर करिए
घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ से उनके पैरों में से झोंक के आउट स्पाउट, पानी बाहर जाता है पाइप से तो उसे स्पाउट से कंपेयर करा गया था पोयम में। वाइड टाइट स्ट्रीट फ्लीट्स, ये आपको खुद करना है, लाइन कंप्लीट करनी है आप कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। फिर आता है ये, डेल्ग्यू इज अ सीवियर फ्लड, रेन ड्रॉप इज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन, शार इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेन, रेन स्ट्रॉम इज अ स्ट्रॉम विद हैवी रेन, रेनबो इज अ कर्व्ड शेप ऑफ डिफरेंट कलर सीन इन द स्काई, हैवी रेन और डाउन पोर इज अ लॉट ऑफ रेन इन शॉर्ट टाइम, लाइट रेन और शार, नहीं शार नहीं आएगा यहाँ, एक मिनट आप यहाँ पे ड्रिजल लिख लो, मीन्स नॉट हैवी रेन। ओके थैंक यू।